दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल और रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ केएल राहुल ने मैच जिताऊ पारी खेल रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, उनकी इतिहास रचने वाली पारी को देखकर दिग्गजों का आया बड़ा बयान। केएल राहुल की धमाकेदार अर्धशतकीय पारी को देखकर दिग्गज काफी ज्यादा खुश हैं। दिग्गजों ने राहुल की पारी को देख बयान दिया है और अपने बयान में राहुल की जमकर तारीफ भी की है। कुछ ऐसी बातें भी बयान में कह डाली है जिसको सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। तो आखिरकार दिग्गजों ने केएल राहुल की पारी को देखकर क्या बयान दिया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन खतरनाक खिलाड़ी है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, दूसरे मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 39.4 ओवर में मात्र 215 रन बनाए। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए ये लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा साबित हुआ, जहां पर टीम इंडिया की जीत के सूत्रधार गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज रहे। वहीं बल्लेबाजी में अनुभवी केएल राहुल ने मध्य क्रम में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 86 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद पारी को संभाला और हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी की। तो वहीं हार्दिक 53 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद राहुल को अक्षर पटेल का साथ मिला। दोनों ने 6ठे विकेट के लिए 30 रनों की साझेदारी की। केएल राहुल 103 गेंद पर 64 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत 4 विकेट से मुकाबले को जीता। तो वहीं इस मुकाबले में राहुल ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर राहुल मैच जिताने वाले मैचों में 59 की एवरेज से बल्लेबाजी किए हैं, जो रोहित शर्मा, क्रिस गेल और महेंद्र सिंह धोनी से भी ऊपर है। ऐसे में राहुल की बल्लेबाजी को लेकर दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा कि राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाया है कि उनसे बेहतर बल्लेबाज कोई भी नहीं है। जब जब भारतीय टीम गंभीर परिस्थिति में पहुंचेगी, तब राहुल टीम को जीत दिलाने वाला प्रदर्शन कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए राहुल इसी तरीके से और भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ देंगे और दुनिया में अपना नाम कायम करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि केएल राहुल की क्लास काफी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में उनके द्वारा बनाए गया रिकॉर्ड को तोड़ पाना भी बेहद मुश्किल है। हालांकि उनके पास बेहद कम रिकॉर्ड है, लेकिन उनकी ताकत बेहद शानदार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि राहुल को अगर निरंतर तरीके से मौके मिलते रहे तो राहुल आने वाले समय में और भी ज्यादा कई रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे और भारत को जीत दिलाएंगे। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए राहुल सबसे बेहतर खिलाड़ी है। राहुल के दम पर भारतीय टीम दूसरे मुकाबले को जीती है। अगर कोई और खिलाड़ी इनकी जगह पर होता तो शायद भारत मुकाबला हार जाता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए राहुल एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। हालांकि कुछ समय पहले राहुल का फॉर्म खराब था, लेकिन उनकी काबिलियत पर हम शक नहीं कर सकते। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि राहुल से बेहतर क्लासिकल बल्लेबाज कोई भी नहीं है। राहुल अपनी शानदार बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाते हैं। उनके द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है तो इस पर खुशी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि ये रिकॉर्ड सिर्फ भारतीय बल्लेबाज ने तोड़ा है, जो आने वाले कई और खिलाड़ियों के लिए उदाहरण पेश करेगा और मुझे उम्मीद है कि राहुल इसी तरीके से आगे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, जब हार रहा था भारत तो केएल राहुल और पांड्या ने मिलकर इस हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर दिया। आखिरकार कैसे कोहली, रोहित के फ्लॉप होने के बावजूद भी आज केएल राहुल, पांड्या ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम की हार को जीत में तब्दील किया। आपको इन दोनों की बल्लेबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। वैसे तो ये ऐतिहासिक मैदान मशहूर है बल्लेबाजी से मुकाबले जीते जाने के लिए, लेकिन गेंदबाजी से भी कोई किसी टीम को ऑल आउट करने के बाद चेज करके मैच जीतने में भी दिक्कत पा जाए, ये पहली बार देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं दूसरे वनडे मैच की, जो भारत और श्रीलंका के बीच में जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का पैगाम लिखा जा चुका था। आपको बता दें कि टॉस हम भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान ने टॉस जीतकर जब बल्लेबाजी चुनी, उन्हें अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे गेंदबाजों की गेंदबाजी इतनी ज्यादा बेहतर है, इतनी ज्यादा उम्दा व सटीक थी कि उसका सामना करना तो दूर की बात, मैदान में बड़ी पार्टनरशिप के सपने भी नहीं ले पाए आज श्रीलंकाई खिलाड़ी। श्रीलंका की टीम की तरफ से दोस्तों अविष्का फर्नांडो व नाइवांदू फर्नांडो नाम के दो खिलाड़ी ओपनिंग कर रहे थे।
दोनों कुछ खास नहीं कर पाए। छठे ओवर तक मैदान पर पार्टनरशिप जरूर चल पाई, लेकिन गाड़ी इससे आगे बढ़ती सिराज ने आकर क्लीन बोल्ड मार दिया अविष्का फर्नांडो को। हाँ, इस बीच में दोस्तों रविंदु फर्नांडो ने बल्लेबाजी जारी रख 50 रन जरूर बना लिए थे, लेकिन ऐसे 50 रन का क्या फायदा जिससे आगे आपकी टीम का कोई भी बल्लेबाज बढ़कर स्कोर ना बना पाए। दोस्तों कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, उमरान ने 2 विकेट लिए, जिनमें हसरंगा, कुशल मेंडिस, शनाका जैसे सभी खिलाड़ी शुमार थे। श्रीलंकाई टीम 215 रन पर ही ऑल आउट हो चुकी थी, वो भी 40वें ओवर में। मतलब कि दोस्तों मुकाबला जल्दी खत्म होना था, लेकिन लगता है कि भारतीय खिलाड़ी चाहते थे कहीं ना कहीं के मुकाबले में और ज्यादा देरी हो जाए, क्योंकि वाकई में आज हमारी टीम की शुरुआत कुछ ऐसी रही कि किसी को लगा ही नहीं कि ये टीम पिछला मैच जीत कर आई है। पारी के 5वें ओवर तक सब कुछ सही जा रहा था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल मिलकर 33 रन बना चुके थे, जो वनडे के लिहाज से बेहद ही सही है। लेकिन फिर रोहित शर्मा जो 21 गेंदों में 70 रन बनाकर अभी मैदान पर सेट होने का प्रयास कर ही रहे थे कि वो दोस्तों करुणा रत्ने की गेंद पर कुशल मेंडिस को कैच समा बैठते हैं और 70 रन पर उनकी पारी समाप्त हो जाती है। अभी अगला ओवर आया ही था कि शुभमन गिल अपना विकेट फेंकने को तैयार हो जाते हैं और 21 रन पर वो अविष्का फर्नांडो को अपना कैच समा बैठते हैं। विराट कोहली से उम्मीदें बनी, लेकिन किंग कोहली जो पिछले मैच में शतक लगाकर गए थे, इस बार लहिरू कुमारा की गेंद पर 4 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए कुछ पारियां तो चाहिए थी ना। तभी दोस्तों मैदान में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में वो पार्टनरशिप बनी जिसकी तलाश हर एक भारतीय को थी, क्योंकि दोस्तों हमारे 86 पर 4 विकेट हो चुके थे और 2 विकेट गिरते तो मुकाबले में भारत का हारना भी तय हो सकता था। लेकिन श्रेयस अय्यर ने राहुल के साथ मिलकर बड़ी सूझबूझ से 33 गेंदे खेली, 5 चौके लगाए, 28 रन बनाए और फिर अपना विकेट गवाया। दोस्तों विकेट जरूर गवा गए थे, लेकिन पार्टनरशिप बना चुके थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। अब इस पार्टनरशिप को आगे रखने के लिए एक और खिलाड़ी की जरूरत थी, जो बने हार्दिक पांड्या। आज केएल राहुल के साथ मिलकर जीत पर मोहर लगाई है हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से। हाँ दोस्तों, केएल राहुल ने धीमी गति की पारी जरूर खेली, लेकिन ये धीमी गति की पारी भारत को जिता पाई है। 71 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 3 चौके लगाकर 41 रन बनाए थे। उधर पांड्या भी 46 गेंद में 3 चौके लगाकर 27 रन बनाए, मतलब कि याद है। लेकिन इनके पीछे कारण केवल एक ही था, भारत को जिताना। इसमें हमारी टीम कामयाब हो गई। अब दोस्तों जीतने के लिए आगे मात्र 65 रन चाहिए थे, और जब मौका मिला मैदान में अक्षर को भी आने का तो उन्होंने भी भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ी आसानी से जिता दिया, और इस जीत के साथ हमने सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, अक्षर और केएल राहुल में सबसे बेहतर कौन है? ये मैच हम किसकी वजह से जीते नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने केएल राहुल भावुक हो गए। इतने लंबे वक्त के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, सबकी बोलती बंद करी, लेकिन रोहित और कोहली पर कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। आखिरकार केएल राहुल ने मैन ऑफ द मैच बनते ही क्या कहा, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और पांड्या में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों ईडन गार्डन का मैदान हो और भारत ना जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो मैदान है जहां पर आज तक 31 में से 22 ओडीआई तो भारत ही जीता है। खैर दोस्तों आज के मैच की बात करते हैं। श्रीलंकाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी भी चुनी, लेकिन बल्लेबाजी का भी नहीं आता था, मानो आज श्रीलंका को या फिर वो भूल गए थे बल्लेबाजी करना हमारे गेंदबाजों के सामने। आते ही दोस्तों स्वागत किया सबसे पहले सिराज ने अपनी रफ्तार से 5वें ओवर में अविश फर्नांडो नाम के खिलाड़ी को। मात्र 20 रन पर क्लीन बोल्ड करने के बाद सिराज ने पहला झटका तो दे ही दिया था। इसके बाद दोस्तों भारत के लिए विकेट लेने का काम कुलदीप यादव और उमरान मलिक ने संभाल लिया। दोनों खिलाड़ियों ने ऐसे विकेट ले डाले कि मानो श्रीलंका की टीम उनके सामने कुछ हो ही ना। धनंजय डिसिल्वा तो शून्य पर ही आउट कर दिए गए थे। इससे पहले कि 17 गेंद में 21 रन लगाने वाले हसरंगा कुछ कर पाते, 21 रन पर दोस्तों उमरान मलिक ने उन्हें अक्षर के हाथों कैच आउट करा दिया। गेंदबाजी में इस तरीके के तूफान के चलते दोस्तों सिराज और कुलदीप के नाम 3-3 विकेट दर्ज हुए, और इसका नतीजा ये निकला कि 40वां ओवर अभी पूरा तक नहीं हुआ था कि श्रीलंकाई टीम ऑल आउट हो गई, वो भी मात्र 215 रन पर। दोस्तों 216 का लक्ष्य ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन इसे चेज करने के लिए आज ईडन गार्डन में कभी श्रीलंका के खिलाफ ही 404 चेज करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के पसीने छूट गए। दोस्तों रोहित शर्मा जब 17 रन पर आउट हो जाए, शुभमन गिल 21 रन और विराट कोहली 4 रन पर, तो पसीने तो अपने आप ही छूटेंगे। बीच में श्रेयस अय्यर 28 रन जरूर बना गए थे, लेकिन जब 86 पर 4 विकेट हुए ना तो सबकी हवाइयां उड़ चुकी थी। अब भारत को एक ऐसी पारी चाहिए थी जो इस मैच में भारत को जिता दे, वरना दोस्तों ऐसी नाक कटती भारत की जो शायद आने वाले कई सालों तक याद रहती। और ये पारी आज हमें दी दोस्तों भारत के विकेटकीपर बैट्समैन केएल राहुल ने। दोस्तों केएल राहुल ने 100 से ज्यादा गेंदे खेली, ये बात सच है, लेकिन 6 चौकों की मदद से इस खिलाड़ी ने 64 रन की नाबाद पारी भी खेली,
और यही नाबाद पारी भारतीय क्रिकेट टीम को इस मुकाबले में जिता कर गई है। हालांकि दोस्तों बीच में हार्दिक पांड्या के 36 रन, अक्षर पटेल के 21 रन, कुलदीप यादव के भी 10-12 रन इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन जिताया तो हमें कहीं ना कहीं केएल राहुल ने ही है। और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद केएल राहुल भावुक हो गए क्योंकि कई सालों से उनके ऊपर उंगलियां जो उठ रही हैं। लेकिन दोस्तों मैन ऑफ द मैच बनते ही केएल राहुल ने कहा, ईडन गार्डन वाकई में एक खास मैदान है, मुझे तो लगता है कि यहां पर 280 से 300 रन आराम से बनने चाहिए थे। हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके की दमदार गेंदबाजी करी, खास तौर पर उमरान, कुलदीप और अक्षर ने, उन्होंने वाकई में दिल जीत लिया। और सिराज ने भी, क्योंकि 215 पर श्रीलंका की टीम को आउट करना आसान काम तो नहीं है। हाँ, लक्ष्य को चेस करने में हमारी शुरुआत धीमी और कमजोर जरूर रही। अपेक्षा नहीं करते आप जब आपकी सलामी जोड़ी या मिडल ऑर्डर में रोहित कोहली हो और वो मिलकर भी 50-100 रन ना बना पाए। लेकिन रोहित शर्मा भाई मेरे को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर थे। उन्होंने कहा था कि तुम पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आओगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पांचवें नंबर पर जब मेरी जरूरत टीम को पड़ी तो मेरा केवल एक ही मकसद था, देश को जिताना। और देश को जिताने के लिए धीमी पारी भी खेलनी पड़ जाए तो उसमें हर्ज ही क्या है। आज मैंने केवल बड़े शॉट लगाने पर ध्यान नहीं दिया बल्कि देश को जिताने पर ज्यादा फोकस किया। अपनी पारियों से ज्यादा कभी कभी आपको टीम को लेकर चलना होता है और वही फिर आपको जिता भी पाते हैं। एक बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोहित शर्मा को, जिन्होंने हर बुरे वक्त में, हर बुरी पारी में मेरा साथ दिया और हमेशा टीम के लिए खेलने का मौका दिया। साथ ही कोहली भाई का भी और द्रविड़ का भी, जिन्होंने मुझे टीम में खेलने के लायक समझा है। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा और अपने फैंस का भी उम्मीद है हम इसे आगे सीरीज को 3-0 से जीतेंगे। दोस्तों केएल राहुल पर सवाल तो कई उठे, लेकिन सच बात यह है कि एक उम्दा खिलाड़ी है और आज इन्होंने फायरबैक करके इस बात को साबित भी कर दिया। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और पांड्या व बाबर आजम में कौन बेहतर है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों दूसरे वनडे मैच को और साथ ही साथ 2-0 से सीरीज हारने के बाद शनाका बखला चुके हैं अपने बयान में। रोहित कोहली से लेकर केएल राहुल तक पर कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई दंग है। आखिरकार सीरीज हारने के बाद श्रीलंकाई कप्तान शनाका ने क्या कहा, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, शनाका, पांड्या और रोहित में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों दूसरे वनडे मैच को 4 विकेट के अंतर से जीतकर ईडन गार्डन के मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच को तो जीता ही है, साथ ही साथ सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया। ये मुकाबला कुछ अतरंगी ही था। इस मैदान में अक्सर देखा गया है कि मुकाबले बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग हो जाते हैं। खुद भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ ना सिर्फ यहाँ पर 404 बनाया है बल्कि 337 चेज भी करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों जैसे ये मुकाबला शुरू होता है वैसे ही मैच के स्कोरबोर्ड पर श्रीलंकाई टीम के रन से ज्यादा तो विकेट दिखने लग जाते हैं। दोस्तों पहला विकेट सिराज फर्नांडो को क्लीन बोल्ड करके दिलाते हैं और उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स लेते हैं कुलदीप यादव, उमरान मलिक और अक्षर पटेल भी, जिनमें बड़े से बड़े खिलाड़ियों का नाम शुमार होता है। असरंगा, शनाका, यहाँ तक कि कुशल मेंडिस भी ज्यादा कुछ खास रन नहीं बना पाते। बस एक नवेंदु फर्नांडो नाम के खिलाड़ी 50 रन लगा जाते हैं। और अगर हसरंगा जैसे खिलाड़ी की बात करें तो ये धासु ऑलराउंडर भी आज 21 से आगे नहीं बढ़ पाया। नतीजा ये रहा कि 40वें ओवर तक पहुंचते या फिर यूं कहिए कि रेंगते श्रीलंकाई टीम का दम 215 रन पर टूट गया। और जब 215 कोई वनडे में बनाए 200 से ज्यादा तो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम T20 में चेस कर देती है, तो लक्ष्य तो चेस होना ही था। लेकिन लक्ष्य कुछ ऐसे चेस हुआ कि देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बैट्समैन विराट कोहली, रोहित शर्मा और अच्छी फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल कुल मिलाकर 50 रन तक इकट्ठे नहीं बना पाए। कोहली 4 रन पर, रोहित शर्मा 17 रन पर, तो वहीं 21 रन पर गिल आउट हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी प्रेशर में जा चुकी थी। 28 रन पर अय्यर के आउट होने के बाद 286 पर हमारे 4 विकेट थे और 2 विकेट, और हम इस मैच को हार भी सकते थे।